बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी। इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है मेजरमेंट के साथ। अभी मैं इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, जो मेजरमेंट स्कूप आते हैं केक के उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। आप देख सकते हैं 1 कप एकदम फुल मैदा है कटोरी में, और एक में हाफ कप ऑफ मैदा लिया है मैंने। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 एग, 1 कप ऑफ शुगर। यहाँ पे बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, 2 बटर क्यूब लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, 1/2 कप मिल्क लेंगे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले से कढ़ाई प्री हीट पे रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। 1 बाउल लेंगे जिसमें हम पूरे इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 2 एग डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, और 2 बटर क्यूब। इसे हम बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। स्पैचुला और विस्क दोनों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। मैंने इसे 3 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड किया था ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप भी तब तक ब्लेंड कीजिए ताकि कोई लम्स ना बचे। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पर मिल्क यूज़ करेंगे। 1/2 कप मिल्क मैंने यूज़ किया है। ये कोई वार्म मिल्क नहीं है, गर्म दूध नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ये चिल्ड मिल्क था। 1 बटर के साथ हम अच्छी तरह से मिल्क को भी ब्लेंड कर लेंगे ताकि सब अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाए। सब ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने शुगर ऐड किया है। शुगर को भी सेम प्रोसीजर, अच्छी तरह से हम सब ब्लेंड कर लेंगे। एक छन्नी ले लेंगे, उसके अंदर हम सारा जो भी इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि 1.5 कप ऑफ मैदा, जो मैंने मैदा आपको बताया था मेजरमेंट, बेकिंग सोडा यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। सबको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से दबा दबा कर छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई गुठली हो बीच में तो वो अच्छे से टूट जाए और इसमें अंदर कोई लम्स ना पड़े बैटर में। 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस हम डालेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। डायरेक्ट हम मशीन से नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये फ्लावर है, पूरा उड़ने लग जाएगा। आप अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, उसके बाद आप बीटर से अच्छे से बीट कर लें। थर्टी से 40 सेकेंड मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये अच्छी तरह से मिल चुका है। ब्राउनी को बेक करने के लिए हम एक टीन ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। ये एक नॉनस्टिक टीन है, इसके अंदर अगर हम बटर पेपर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये इजीली निकल जाएगा। बटर पेपर को भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे, जो बैटर हमने बनाया है ब्राउनी का वो इसके अंदर पोर कर देंगे। ब्राउनी का जो बैटर होता है वो केक के बनिस्बत थिक होता है, इसके अंदर थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा होती है केक के बनिस्बत। पोर करने के बाद हम 2 से 3 बार इसे अच्छे से डैब डैब कर लेंगे ताकि कहीं पर भी अगर खाली है तो वहाँ पे अच्छी तरह से इक्वल हो जाए। मैंने शुरुआत में आपको बताना भूल गई थी, मैंने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए डेट्स और आलमंड लिया है। आप जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं, चोको चिप्स ले सकते हैं, आप यहाँ पर
बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले से ही मीडियम फ्लेम पे पैन को रख दिया था प्री हीट के लिए। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट बर्तन लिया हुआ है। आपके पास अगर स्टैंड है तो आप स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। मैं विदाउट नमक यहाँ पे इसे बेक करूँगी। यहाँ पे मैंने लीड लगा दिया है, 45 से 50 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। 45 मिनट पे एक बार आप टूथपिक से चेक कर लेना कि बेक हुआ है या प्रॉपर या नहीं। मैंने इसे 50 मिनट के बाद चेक किया था। चारों तरफ आप टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं कहीं इसके अंदर कुछ कच्चापन तो नहीं है। मेरा टूथपिक एकदम साफ आया था, यानी मेरा एकदम टोटली बेक हो चुका है। अगर इस स्टेज पे टूथपिक में कुछ थोड़ा सा लगा हो तो आप 2-5 मिनट के लिए और रुक जाइए, उसके बाद फिर एक बार और चेक कर लीजिए। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद कम से कम जब तक केक रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए उसे आप निकालना नहीं, नहीं तो वो बीच में से टूट भी सकता है। जब केक रूम टेम्परेचर पे आ गया था उसके बाद मैंने बटर पेपर रिमूव किया है। आप देख सकते हैं इतना इजीली बटर पेपर रिमूव हो गया था, ओनली डबल साइज में राइज हुआ था। आप मेक श्योर करें कि आप जब भी ब्राउनी बेक करें तो आप जो भी बर्तन में बेक कर रहे हैं वो थोड़ा ऊँचे हाइट का लें। अगर आपकी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट होगी तो आप एकदम बाजार जैसा, आप देख सकते हो एकदम बाजार जैसा, एकदम स्पॉन्जी, जालीदार और बहुत ही टेस्टी ब्राउनी बना था। सीरियसली इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको इसे गार्निशिंग करना है तो आप इसे चॉकलेट सिरप से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर पोर कर सकते हैं, वरना आप चॉकलेट का कनाच बना के भी इसके ऊपर पूरा पोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं केक बेक करूंगी, वो मेथड भी आपको मैं बता दूंगी कि कैसे कनाच बनाते हैं। सेम प्रोसीजर मैं आपको पूरा बता दूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सज्जो लाइफस्टाइल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।